नमस्कार, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है मिशन शक्ति। हम लोग यहां पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। जी हाँ, मिशन शक्ति। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं और महिला सशक्तिकरण का काम भी शुरू हो गया है। इस 9 दिनों में 9 दुर्गे पूजे जाती हैं, यानी कि ये महिलाओं का सप्ताह रहेगा। पूरा सप्ताह से ज़्यादा बल्कि 9 दिन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज ही के दिन से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति का शुभारम्भ भी कर दिया है। कहा जाता है यत्र नारस्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहां जहां पर नारियों की पूजा होती है वही वही देवता वास करते हैं। लेकिन अब आजकल की नारियां कहने लगी हैं कि मुझे आप भगवान मत बनाइए, आप मुझे देवी मत बनाइए, कम से कम जो हमारा अधिकार है, जो मानव का अधिकार है वो तो दीजिए, क्योंकि आप देवी बना करके मुझे मंदिरों में सजा देते हैं लेकिन दूसरी तरफ अधिकारहीन कर देते हैं। ये जो पुरुषों की देवता बनने की मानसिकता है वो अब वो बदलना चाहती हैं। हमारे साथ आज सारी देवी स्वरूपा सारी लोग एकत्रित हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे और हम आज चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुछ कांड इधर से हुए, दिल हिला देने वाले कांड हुए, जैसे हाथरस कांड की बात करें, बलरामपुर की कांड की बात करें, कुछ और जिलों में जो कांड हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है और कहा है कि हर जिले में, हर तहसील में एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और उसमें महिलाओं को पूरा आराम दिया जाएगा, महिलाओं की पूरी बात सुनी जाएगी और महिलाओं की सुनने के लिए ही वहां पर महिला कर्मी नियुक्त की जाएगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि अब हर जिले से 100 मॉडल महिलाएं चुनी जाएंगी जिनको गिफ्ट भी दिया जाएगा, यानी कि जिनको सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन इतना सब कहने के बावजूद तमाम कोशिशें की गई हैं और कई नंबर जारी किए गए हैं जिस पर महिलाएं अपना दुख व्यक्त कर सकती हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो पुरुषों की मानसिकता है, ये जो पुलिस की मानसिकता है, वो कैसे बदली जाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि ये मिशन शक्ति है क्या। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज बलरामपुर में मिशन शक्ति की शुरुआत हुई। शारदीय से वासंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को दिखाना है। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर से तो राज्यपाल आनंदीबेन ने लखनऊ से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति की आराधना के पावन अवसर पर शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस से प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया। बता दें, यह अभियान महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को बढ़ाने और महिलाओं की आवश्यकताओं को नए आयाम देने में मदद करेगा। हर जनपद में एक सूची बनेगी, किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने अच्छा काम किया है उनकी सूची बनेगी, किसी संगठन ने अच्छा काम किया है उनकी सूची बनेगी, फिर इन सभी संगठनों के कार्यों को हम उसका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और डॉक्यूमेंट को फिर प्रदेश स्तर पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उसमें करा करके इसमें अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को जनपद स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी सम्मान करने का कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाना है।
बदलते दौर में नई पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा का वाहक बनाने में महिला के प्रति सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की भावना का प्रसार के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत हुई। प्रदेश में मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएगा। यूपी सरकार ने 6 महीने के लंबे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति की शुरुआत की है, जो अगले 6 महीने चैत्र नवरात्रि तक पूरे सूबे में जारी रहेगा। बता दें, सूबे में बढ़ते अपराध और महिला के प्रति हिंसा को देखते हुए सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नए मिशन का आगाज किया है। हाथरस हो या फिर बाराबंकी, पीलीभीत हो या गोरखपुर, महिलाओं और बच्चियों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर सीएम सख्त हैं, जिसके चलते महिलाओं के सम्मान के लिए सीएम खुद आगे बढ़कर आए हैं। मिशन शक्ति के साथ दूसरे ऑपरेशन शक्ति की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत सरकार उन लोगों का एक रजिस्टर तैयार करेगी जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए समय के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। इसकी निगरानी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक डीजीपी करेंगे। इस अभियान में महिलाओं को सुरक्षा व आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, मिशन शक्ति। और अब जो लोग भी महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में अपराध करेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे, ये दावा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, ये कार्यक्रम लंबा चलने वाला है। ये शारदीय नवरात्र जो आज से शुरू हुए हैं, आज से शुरू होकर के ये बसंती नवरात्र तक लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, और इनके तहत खासकर महिलाओं और बच्चियों के को सम्मान दिलाना और उनको उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लोगों पर दी गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका शबनम पांडे जी। विभा शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुकी है, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है विभा जी। और सदभ जाफर भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, वो भी कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री है, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर, बहुत ही प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत स्वागत है नूतन जी। और हमारे साथ यहाँ एक घरेलू महिला भी जुड़ चुकी है, पांडे, पूर्णिमा पांडे, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे शबनम पांडे जी का। शबनम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक, जब महिला के साथ में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक अन्याय हुआ था, और साहब नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कुछ लोगों ने कुछ गलत कह दिया था, उसके बाद से भाजपा पूरी मैदान में उतर आई थी, ये कहकर कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। लेकिन आज जिस तरीके से कुछ घटनाएं घटी, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को हिला दिया है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? आपके सभी दर्शकों को, उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं देती हूँ। प्रदीप जी, आप जानते हैं कि 3 साल से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, लगातार वो संवेदनशील होते हुए महिलाओं के मुद्दे पे प्रखर रहे हैं और तमाम योजनाओं के तहत महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते रहे हैं। इसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का अगर रिपोर्ट देखा जाए, तो एनसीआरबी के रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं में के साथ जो रेप होता है, उसके निस्तारण का जो प्रक्रिया है, वो देश के सभी प्रदेशों में सबसे अव्वल है। और अगर देखा जाए, प्रतिदिन जब हमने कार्यभार संभाला था, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 13 महिलाओं का रेप हुआ करता था, आज हमने उस आंकड़े को कम करके 8 तक लाया है। और मुझे पूरी तरीके से ये विश्वास है कि हम 5 साल होते होते इसको हम 1 या 2 पे शून्य करना तो देखिए किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है, लेकिन हम इसे और नीचे स्तर पे लाएंगे। तो ये मिशन, ये योजनाएं लगातार चलती आ रही हैं, और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में पहले के बनिस्पत कम अपराध हो रहा है महिलाओं पे,
और जहां कहीं भी गलतियां होती हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, किसी अधिकारी की तरफ से हो, सरकार एक कड़ा रुख दिखा के उन्हें बर्खास्त या निलंबित करते हैं और उस पर जांच बैठाते हैं। कहीं भी सरकार ने किसी को प्रश्रय देने का या किसी ऐसे अपराधी को समर्थन देने का काम नहीं किया। कोई भी रेप का अपराधी 2 या 3 दिन में पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं, और जहां पुलिस लापरवाही करती है वहां वो कड़ी जांच के तहत उन्हें भी अंदर कर दिया जाता है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसलिए ये मिशन भी जो किया है, मिशन शक्ति, इसमें ये हमारे 5,035 जो थाने हैं उन थानों पे महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। थानेदारों को कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र के लोग में भ्रमण करें और वहां पे जो भी तरीके के अपराधी तत्व हैं उनकी एक सूची बनाएं, और सूची बनाने के बाद जहां भी जो दुराचारी हैं उनके पोस्टर लगेंगे। महिलाओं के सम्मान में 100 ऐसी महिलाओं को हर जिले में चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने या तो भ्रूण हत्या रोकने में या महिलाओं की सुरक्षा के इसमें, महिलाओं को शिक्षा देने में, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में जो काम किया है उनके कामों को, चाहे वो इंटरव्यू के तहत या तमाम ऐसी तरीके से जागरूकता फैलाया जाएगा। ठीक है सपना पांडे जी, आप बने रहिए, दोबारा से आपका रुख करेंगे, विभा शुक्ला जी का रुख करेंगे। विभा शुक्ला जी, इससे पहले आपकी सरकार थी और तब भी ये तमाम आरोप लगते थे, आज क्या कहेंगी? शबनम पांडे जी कह रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि पहले प्रतिदिन 11 महिलाओं के साथ रेप होते थे, कम करके इन्होंने 8 कर दिए जी। और माता रानी के दिन के बाद भी एक महिला होने के बावजूद शबनम पांडे जी अपनी पार्टी की तरफ से इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं कि महिलाओं के ऊपर एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रही है। ना शबनम पांडे जी, उनको अपनी बात कहने नहीं दीजिए, मैंने आपको पूरे इत्मीनान से आपकी बात कहने दिया था। मैडम इतनी सफाई से झूठ बोल रही हैं, हाथरस का कांड अभी भी उसकी आग भी बेटी की ठंडी नहीं हुई है, जिस तरीके से पुलिस ने जबरन उसकी लाश जलाई है। उन्नाव, जौनपुर, बलिया, बनारस, लखनऊ, लखीमपुर खीरी जैसे इलाकों में जघन्य अपराध हुए हैं। लेकिन इस पूरी खीरी का इतिहास मैं बता दूं, लड़की को सरेआम जो है दौड़ाते हुए मार्केट के अंदर दिन दहाड़े उसके हाथ काट दिए गए थे। तो किस अपराध को कम करने की बात कर रही हैं? थोड़ा भगवान से भी डरा करें आप लोग, क्योंकि तो भगवान का नाम लेके आप लोग सत्ता में चढ़े हैं। और माता रानी का दिन है इसलिए मैं औरत होने के नाते और आप भी एक महिला होने के नाते ये तो आज नहीं कहेंगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए हैं। महिलाओं के प्रति अपराध छोड़िए, जघन्य अपराध और क्रूर अपराध बढ़े हैं। अपराधियों के साथ साथ प्रशासन भी इसमें लिप्त रहा, ये एक बेशर्मी वाली बात रही। ये महिलाओं के लिए एक शर्मनाक इतिहास रहेगा कि उत्तर प्रदेश की शासन और सत्ता हाथरस जैसे कांड में लिप्त रही, पुलिस खुद जबरन उस बेटी की लाश को जलाने। अभी विवाद ये वो फाइनल नहीं हुआ, सीबीआई की जांच कर रही है कि हाथरस में हुआ दरअसल क्या था अभी जी। दोनों के पास आएंगे, पहले बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, चर्चा शुरू करेंगे लेकिन पहले बाकी लोगों को चर्चा में शामिल करेंगे। नहीं सदब जाफर जी के पास चलेंगे भाई, सदब जाफर जी, ना विभा शुक्ला जी, शबनम पांडे जी, आप दोनों से अनुरोध है कि आप दोनों शांत रहिए, हम सदब जाफर जी करूँ। सदब जाफर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपकी बारी हो गई, आपको पूरा मौका दिया गया, अब सदब जाफर की बारी है। ठीक है विभा शुक्ला जी, जी जी सदब जाफर जी, मैं सुनी थी। देखिए मेरा तो पहली प्रतिक्रिया क्या, मैं सुन रही थी शबनम जी को और मैं हैरान हूँ, और मैं जितनी बीच में बोल रही थी और विभा जी उनका जवाब दे रही थी, मैं ढूंढ रही थी शबनम जी की प्रोफाइल पे कि कहीं उन्होंने इस विभत्स घटना का कहीं पर भी खंडन किया हो, उसके ऊपर दुख जाहिर किया हो। बड़ा आसान है भाजपा के लिए विक्टिम शेमिंग करना, है ना, विक्टिम के ऊपर दोषारोपण करना, ये कह देना कि कुछ हुआ ही नहीं था, रातों रात लाश लेके भागना क्यों पड़ा ये जवाब ये बेहतर देंगे, रातों रात उसको जलाना क्यों पड़ा ये जवाब वो देंगे। ऑपोजिशन अगर अब इसके खिलाफ सड़क पर उतर रहा है तो लाठी चार्ज क्यों कर रहा है,
क्यों विपक्ष के नेताओं को जमीन पे धक्का मार के गिराया जा रहा है, चाहे वो राहुल जी हो चाहे डेरेक ओब्रायन हो, क्यों नहीं परिवार से जल्दी मिलने दिया गया, क्यों इनका डीएम जो है वो इस तरह की धमकाने वाली बातें कर रहा था और उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उसको हटाया नहीं गया। तो ये तो सिर्फ एक हाथरस की घटना है। उसके अलावा आप जहां पर भी देख लीजिए वहां पे आप देखेंगे कि बेटियां आज जेल, एक तो बलात्कार होना ही अपने आप में एक जघन्य कृत है, एक बेटी के लिए वो कितना भीतर तक टूट जाती है अगर जिंदा बची तो। उसके बाद ऐसी बच्चियां जाती हैं रिपोर्ट करने के लिए तो कभी पुलिस वाला हस्तमैथुन करता हुआ पाया जा रहा है, कभी उसको मार के भगा दे रहा है। 228 दिन तक लगे हैं एक FIR दर्ज होने में, वो भी तब जब कोर्ट ने इंटरवीन किया है। ऐसी सिचुएशन लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेके लखनऊ हाईकोर्ट ठीक है शरद जाफर जी, आपका भी समय समाप्त हो गया जी, ठीक है आएंगे दोबारा से आपके पास आएंगे जी, ठीक है ठीक आएंगे दोबारा से, आपका भी समय समाप्त, ठीक है ठीक। सदर जाफर जी आपका भी समय समाप्त हो गया है, नूतन जी का रुख करेंगे। नूतन ठाकुर जी आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं समाज के लिए, आपकी पहली प्रतिक्रिया। ने जो कहा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये हर लोग जानते हैं डेटा की आप बात करिए, डेटा जो होता है वो एक्चुअल क्राइम रिपोर्ट को आप उससे नहीं आंक सकते कि जो रिकॉर्डेड क्राइम है और जो एक्चुअल क्राइम है, जो अनरिकॉर्डेड क्राइम है, उन अपराधों का क्या। तमाम ऐसे अपराध हैं जो पुलिस दर्ज ही नहीं करती है, महिलाओं के अपराध को लेकर मैंने तो खुद ही 3 FIR इतनी भद्दी भद्दी गालियों की कराई पुलिस को देने पे, पुलिस ने दर्ज नहीं की, कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराना पड़ा। तो जहां पे ऐसी स्थिति हो तो जब मैं सक्षम हूं तब तो मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ते, कोर्ट जब आदेश देती तो FIR दर्ज होती। उन पीड़ितों का क्या जो सक्षम नहीं है, वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, वो पीड़ित तो आज भी पीड़ित है, उनकी तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। तमाम जो सदम जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, कई बार जो अथॉरिटीज थाने में जाइए वहां पता लगता है महिलाओं के साथ, कई बार वहां भी जिस चीज की शिकायत लेके जाती है शोषण वहां भी शुरू हो जाता है, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे इसके। ऐसे में ये कहना कि महिला हाथरस की घटना में भी जिस तरीके से वो अब जांच का विषय है, CBI को जांच दी गई है, लेकिन प्रशासन ने खुद माना था कि रेप की धारा बढ़ाई, रेप हुआ है। जब एक बार FIR में जब वो चीज आ गई, तहरीर में आ गई, उसके बाद उस पीड़िता के तमाम रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो लॉ कहता है कि आप नाम गोपनीय रखेंगे, पहचान उजागर नहीं करेंगे, पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है, जिस तरीके से उसकी पहचान उजागर की गई, मैंने तमाम शिकायत की, ये 228 IPC प्रोहिबिटेड है, आप नाम उजागर नहीं कर सकते। एक बार अगर कोई रेप विक्टिम के रूप में पहचान हो रही, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, काफी प्रयासों के बाद अब FIR दर्ज हुआ, तो किस महिला अपराध को लेके आप संवेदनशीलता की बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नूतन जी आएंगे दोबारा से आपके पास में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कैसे नाम उजागर किया गया, हमारे साथ में पूर्णिमा पांडे जी। पूर्णिमा पांडे जी आप तो घरेलू महिला है, आप कैसा महसूस कर रही हैं, जरा आपकी अपनी राय। हमको तो ये लग रहा है कि 2014 में जब सरकार BJP की बनी, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नारी का सम्मान होना चाहिए जी, और नारी का सम्मान 2014 से लेके आज 2020 आ गया है जी। मुझे तो कहीं भी दिख नहीं रहा है किसी भी स्थिति में कि नारी का सम्मान हो रहा है। नारियां अगर रेप हो रही हैं, कहीं मर्डर हो जा रहा है, रेप होने के बाद उनके अंग प्रत्यंग काट लिए जा रहे हैं, सबनम जी कह रही हैं कि इतने रेप हुए, वो कहते हैं इतने रेप, ये रेप की क्या गिनती होनी चाहिए? रेप रेप होता है, रेप की गिनती नहीं होनी चाहिए, और ना रेप में जातिवादिता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ठीक है, रेप की गिनती नहीं हो सकती है और रेप में जातिवादिता नहीं होनी। सबनम पांडे जी आप जवाब दे सकती है सारे लोगों को, आपने सुन लिया। सबसे पहले तो पूर्णिमा जी ने जो कहा कि रेप की गिनती और जाति नहीं होनी चाहिए, निश्चित तौर पे इसको मैं भी मानती हूँ, पर यह भी एक बहुत जरूरी है कि अगर विपक्ष को उनका चेहरा दिखा दिया जाए कि उनके वक्त में किस तरीके से रेप होता था और वो किस तरीके से निश्चिंत बैठते रहते थे, चाहे वो बुलंदशहर का हाईवे का।
आप पहले बात सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, बुलंद शहर हाईवे हो, चाहे वो बरेली हो, ऊपर आए, आप वर्तमान में जिए, आप वर्तमान में जिए, आप वर्तमान नहीं देख रही हैं, आपकी सरकार देख के बूथ में जाकर, बूथ में जाकर, इसीलिए आंकड़े ऐसे थे। कदम जी कहती है, तो कदम जी को ये बता दूं, बीजेपी आज स्वाति सिंह कहाँ छुपी रहती है, पाकिस्तान में 6,000 पाकिस्तान की बात मत करिए, और उसके बावजूद जब रेल को रेप करने में 24 तरह आती है, आप अपने शर्म नहीं आती आपको, वहाँ पे रेप को रेप कहते हैं, सरकार घबराती नहीं है, रेप को कंट्रोल करती है, और राजस्थान में जाइए, बोलना चाहिए, बोलना ही है। भाई एक एक आदमी बोलिए, विभास शुक्ला जी, शबनम पांडे जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, तभी तो लोगों को समझ भी आएगा ना। चुप जी, रेप को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, और उस पर आप इस तरीके की बात देखिए, रेप को कोई गिनता नहीं है, लेकिन अगर रेप किसी प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर ज्यादा हो रही है तो उस पर बोलिए। नहीं शबनम पांडे जी, आपने कहा कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, जी विभास शुक्ला जी, जरा शबनम पांडे जी से कुछ सवाल पूछने दीजिए मुझे, नहीं असंसदीय भाषा का भी प्रयोग मत कीजिए। विभास शुक्ला जी आएंगे आपके पास में। शबनम पांडे जी, आपने कहा कि एनसीआरबी के डाटे हैं, डाटा है, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और महिलाओं को गतिज गतिज के मारने वाले लोग हैं। आपके विधायक महिलाओं के बारे में क्या क्या कहते हैं वो आपने नहीं सुना है क्या? तब तो आप मुंह बंद करके बैठ जाती है। स्मृति ईरानी से लेके स्वाति सिंह तक भी कहते हैं बच्चों की गलती हो जाती है, अखिलेश यादव कहते हैं पत्रकार से कि तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ, आप ऐसी गलती होती है, आज जिनको आप सर पे बैठा करके जिस दिन आप दिखा मुद्दों से संवेदनशील नहीं है, ये एक बहुत दुख बड़ी बात है, और हाथ जैसा कांड जिस प्रदेश में हो गया हो उसमें अरे संवेदनशीलता जब पत्रकार को आपके साथ रेप नहीं हुआ, नेताजी जब बोला तब मदद कर दी, तब समझ में आता आपकी संवेदनशीलता। आप रहिए, आपको अब आप केवल पार्टी बांधी वाली बात कर रहे हैं। आप कौन होती हैं? आप केवल पार्टी की नौकरी कराने वाली, ना आपको देशभक्ति का ख्याल है, ना तो आपको महिलाओं की, नहीं तो आप आप आपने क्यों नहीं जयप्रदा पे आज क्रोनी का आवाज उठाई? हम तो आवाज उठाते हैं, हम तो आवाज उठाते हैं महिलाओं पे, महिलाओं के प्रति हम लोग संवेदनशील है, महिलाओं पे की बनाने के लिए मिशन चला रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता ये है, और आपकी संवेदनशीलता यही कि आप हमेशा रोक ले रहे हैं। विभा शुक्ला जी, आप थोड़ा रुक जाइए, शबनम पांडे जी से कुछ सवाल लेंगे। शबनम पांडे जी, ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं, उन्होंने कार्रवाई शुरू किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो थानों पर लोग पुलिस वाले बैठे हैं ना, जैसे अभी नूतन जी कह रहे थी कि जब महिला वहां जाती है तो उससे ढंग से बात नहीं करते हैं, तो ये रवैया कैसे बदलेंगे आप? प्रदीप जी बात से सही इंकार करता कि थानों में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसमें एक कमी रही है, और ये आज से नहीं, मैं विपक्ष में लंबे समय से, मैंने राजनीति विपक्ष से ही शुरू किया और मैं महिला आंदोलन से जुड़ी रही, मैं लंबे समय से देख रही थी वो संवेदनशीलता नहीं थी, पर आज इस तरीके की असंवेदनशीलता दिखाने पे उसका संज्ञान अगर मुख्यमंत्री को होता है तो तुरंत उन पे कार्रवाई होती है। आप देखिए चाहे कोई भी केस देख लीजिए, उसमें पुलिस भी अधिकारी हैं उनको बाहर करा। नहीं लेकिन आप शबनम पांडे जी, आपने एनसीआरबी के डेटा की बात किया, नूतन जी के पास चलते,
नूतन जी के पास चलते। नूतन जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि पुरुष जब जाते हैं तो उनकी तो सुनी नहीं जाती, महिलाएं जब थाने में जाती हैं तो उनके प्रति क्या हालत है ये सब जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब तहसील पर और थानों में एक अलग से महिला के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और उसमें महिला कर्मचारी तैनात होंगी, इसको आप किस तरह से देखती हैं? जी यार, आरोप विभाग जी आपके पास आ रहा है। ये तो जब बीजेपी की सरकार आई थी तब ही तमाम दावे किए गए थे कि हर थाने में एक महिला पुलिसकर्मी होंगी जो महिलाओं के ग्रीवांस को रिड्रेसल करेंगी। तो 3 साल पीछे जब सरकार आई तब की बात करिए तो उन चीजों का क्या हुआ? महाजगर बड़े बड़े फोटो लगवाने को, दावे करने को, जब कोई जनता के बीच में ये चीजें आए कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं तो एक सर्कुलर आप जारी कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें तो जब सरकार सत्ता में आई थी तब भी कही गई थी, लेकिन हालात आज 3 सालों में कहां से कहां गए, इस चीज को समझने की जरूरत है। आ रहा हूं सदब जी, आपके पास भी आता हूं। पहले उसमें मुझे तो नई घोषणा कोई भी नहीं लगी, ऑलरेडी लॉ में पहले से मैंडेटेड है कि अगर महिला के प्रति अपराध होता तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा, पुलिस प्रशासन देखे। ये तो मुझे लगता है एक स्वीकारोक्ति है कि अभी तक महिलाओं के प्रति लेके जो बातें कही गई वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। बागपत हो, सिद्धार्थ नगर हो, और ठीक है सपना पांडे जी और नूतन जी, दोनों से अनुरोध है कि आप जरा रुकिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, बहुत छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कोशिश की जा रही है। और सबनम पांडे कह रही है कि लगातार एनसीआरबी के जो डाटा है वो बता रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध है वो गिर रहे हैं, लेकिन जस तरह से अभी कुछ बड़ी घटनाएं घटी है उससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया है। ऐसे में दरकार है कुछ ज्यादा फोकस करने की, मुख्यमंत्री तो कोशिश कर रहे हैं, अब ये उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी, क्या वास्तव में कामयाब होगी, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तो कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला मुसाफिरा रे, छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर। कमला बसंत, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway, near Unnao. GGS Education Group. Khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai. Khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai. Tum mein bhi main hoon, Shuddh Plus. खबरों का सारथी। हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम सदर जाफर जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विभा जी के पास चलेंगे। विभा शुक्ला जी, आपने जोरदार हमला बोला, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी यही हालात थे और इसीलिए इतना काम करने के बावजूद आपको सत्ता से हटना पड़ा। सरकार में भी रहते हुए यदि अपराध हुए हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण थे और हमेशा से ये मानना चाहिए, और इसीलिए शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 10-90 जैसी व्यवस्था को लॉन्च किया था कि एक कॉल करते ही महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उसकी गोपनीयता भी बनाई रखी जाएगी ताकि महिलाओं के बारे में। लेकिन आपको नहीं लगता है, सुनिए सुनिए, ये सिलसिला तो कभी किसी सरकार में रुका नहीं, नहीं। तो सबको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि ये पुरुषों की मानसिकता कब बदलेगी। जो है सरकार केवल टेलीफोनिक लेते थे और टेलीफोन चलाती है, समाजवादी पार्टी भी एक नंबर दे देती है, बसपा भी दो नंबर दे देती है, उससे कोई फायदा नहीं है ना। आपके मुख्यमंत्री नहीं दे पाएंगे योगी जी हेल्प, आपका 1090 पहुंचा देगा आपको। क्या बात कर रहे हैं, आपने लिस्ट क्रिया बना दिया, आप बोलिए क्यों है भाई, आप काम तो कर नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए। अरे भाई सदब जाफर जी काफी देर से इंतजार कर रहे, शबनम पांडे जी, विभा शुक्ला जी, आप दोनों रुकिए भाई, ये सोलो डिबेट नहीं होगी आपस में। तो सशक्त महिलाओं का पर काट दिया करते थे। विभा शुक्ला जी आप रुकिए, शबनम पांडे जी आप बिल्कुल, सदम जाफर जी आप अपनी बात रख सकती हैं जी। विभा शुक्ला जी रुकिए जी जी, और इस पर भी मेरी तेरी सरकार के ऊपर कहानी चल रही है। एक महिला होने के नाते शबनम जी को शुरुआत इससे करनी चाहिए कि हाँ कमी है, ये हकीकत है। अगर आप महिला कल्याण की बात कर रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति में, तो सच बोलना सीखिए कि आपका कार्य होगा। विभा शुक्ला जी, सदर जाफर जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। हेल्पलाइंस है उसमें आज की तारीख में जो महिला कर्मी है उनको सालों से तनख्वाह नहीं मिली है, उनकी नौकरी पे तलवार लटक रही है, जिन्होंने घरेलू शोर मचाए, शोर आपके ऊपर लागू होता है, आपकी सरकार पे लागू होता है कि प्रचार चाहे शोर चाहे प्रचार का शोर हो, विज्ञापन और उसके बाद आप महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ नहीं रही है, ये देश के दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है महिलाओं। ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ शबनम पांडे जी, अब आपके पास आऊंगा, पहले नूतन जी का रुख करूंगा। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लंबे समय तक आपने समाज में काम किया, इसके ऊपर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये चाहे कोई भी सरकार, चाह रहा हूँ कि ये चाहे कोई भी सरकार हो, ये कांड रुकेंगे नहीं जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी। समाज की सोच बदलने की दरकार है। पहले देखिए कि इनके अपने एमएलए जो जेल में जा रहे हैं आरोपियों से मिलने, जो आरोपियों के पक्ष में सभाएं हो रही हैं, वहां जाके अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, उन एमएलए पे क्या कार्रवाई हुई? ठीक है सदन जाफर जी, मैं जरा नूतन जी के पास चलूंगा जी। नूतन जी, ये सवाल मेरा आपसे था, समाज की सोच बदलने की जरूरत है ना। तो आसान है कि समाज की सोच बदलने की जरूरत है, लेकिन समाज की सोच बदलेगा कौन? जो हमारा समाज जो है वो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टीज अब है, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जब भी अगर इस तरह के क्राइम होते हैं तो फिर वहाँ बात आ जाती, या तो जाति की बात आ जाती है, आप आंकड़ों की बाजीगरी पे उलझ जाते कि हमारे पार्टी के समय में ये अपराध नहीं हो रहे थे, कम हो रहे हैं या बढ़ गए। मुद्दा तो ये है कि जब अगर पॉलिटिकल पार्टीज जिस चीज पे खड़ी हैं, जो चेंजेस लाने हैं, तो वहां वो क्या कर रही हैं और वो क्या भूमिका
निभा रही हैं। जब आप जाति की बात करिए, अपराध होंगे तो फिर कहिए ये जातिगत राजनीति से प्रेरित है या ये इस जाति के लोग हैं वहां कार्रवाई हो रही है, बात है। उस जाति के अलग तरीके से व्याख्यात कर दिया जाता है, बिल्कुल जी जी वो बिल्कुल। अगर उसी तरीके से महिला अपराधों को भी आप, अब महिला तो एक महिला है जो ऑलरेडी दबी रही है, उभारने की जरूरत है, वहां भी अब महिला अपराध में भी आप जाति के हिसाब से जब कार्रवाई की बात ले आते हैं तो स्थिति कहां जाएगी और किस हद तक भयावह होगी, इसको समझने की जरूरत है। अपराध तो अपराध है, उसको रोकने के लिए और जब तक एक पार्टी लाइन से हट के जब समग्र नीति नहीं बनाएंगे तो तमाम कानून बनाएंगे सही इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आ रहा हूँ आपके पास में पूर्णिमा जी, कैसे रुक आ रहा हूँ आपके पास में पूर्णिमा जी, कैसे रुक पूर्णिमा जी आ रहा हूँ जी जी विभा जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए जी जी। विभा जी, हमने बढ़िया का कांड भी देखा, हमने हाथरस का कांड भी देखा है और लखनऊ का भी देखा है, बाराबंकी का भी देखा है और उसको विधायक जी संरक्षण देते हैं। तो जहां आदमी नहीं सुरक्षित है वहां अबला नारी क्या सुरक्षित भाई? विभा जी ये कोई पहली मतवा थोड़ी ना रहा है, ये सब सरकारों में ऐसा ही होता है। जरा पूर्णिमा जी का रुख करेंगे, पूर्णिमा पांडे जी आ रहा हूँ, सौम्या पांडे जी एक मिनट रुकिए भाई, विभा शुक्ला जी आप दोनों लोग रुकिए, आप लोग सोलो डिबेट कर रहे ऐसे नहीं चलेगा, रुकिए आ रहा हूँ। पूर्णिमा पांडे जी आप ये बताइए कि पार्टी लाइन से हट करके सबसे पहले महिलाओं के बारे में सोचने की जरूरत है, आ रहा हूँ विभा जी। जी पूर्णिमा पांडे जी, सबसे पहले तो लेडीजों को अपने आप में ही इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि जैसे कि दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, मैं व्रत भी हूँ 9 दिन का से स्टार्ट है कि हृदय में ममता और युद्ध में निष्ठुरता, हृदय में ममता और युद्ध में निष्ठुरता, ये सिर्फ माँ यानी महिला दुर्गा जी ने कहा है, उसमें लिखा हुआ है सप्तशती में कि माँ हमारा रूप हर महिला में है और हमें स्ट्रांग होके आना पड़ेगा। यदि हम सब मिलके स्ट्रांग हो जाएंगे तो किसी भी पुरुष, किसी भी वो नेता पुरुष हो, चाहे डाकू हो, चाहे बदमाश हो, चाहे एक आम आदमी हो, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि हमें टच कर पाएगा। और रही डिस्कस की बात, ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाह रही हूँ सभी से कि क्या हमारे और आपके घर की बहन बेटी का ऐसा कुछ हुआ होता तो आप क्या कहती? कि जो सोहदे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पहले उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, फिर काउंसलिंग की जाएगी, फिर उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। आपको लगता है कि क्या इतने से काम चलने वाला है? ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो महिलाओं के प्रति अपराध है वो ज्यादातर घरों में और परिचितों द्वारा किया जाता है, तो निश्चित तौर पर अगर हर थाने पे ऐसे शोधों को चिन्हित कर लिया उनके घर पांडे जी, ये बात ऐसा नहीं है सबनम पांडे जी, ये बात आपकी ठीक है कि ज्यादातर जी अकेले होता है। अरे जरा जाके देखिए मैडम, आपकी संसद में, विधानसभा में आपके भेजे हुए कितने लोगों के ऊपर बलात्कार के आरोप है, आपने कह देना बड़ा पार्टी आती है हमारे किसी परिवारों में बलात्कार है, और उसके बाद संरक्षण में भी आपके लोग उतरे हैं, तो ना सिर्फ बलात्कारियों को पनाह देने का काम करती है भाजपा, उसके जो है वो बुरे संरक्षण। आप भाजपा ना पनाह देती है, आप ये बताइए जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या अपराध कम हो गए थे? एनसीआर के डेटा आप देख लीजिए, अपराध तो तब भी हो रहे थे महिलाओं के खिलाफ। कहिए तो मैडम की बलात्कार हुआ है, आप तो विक्टिम शेमिंग में लगी हुई हैं। अरे कम से कम आप पे उतर के बैठी गहलोत आइए तो सही वो कहे कि सरकार भाग गई तो उन्होंने मुख्यमंत्री नेता बना दिया। अगर आप लोग इतनी शक्ति पुरुषों का खिलाफ दिखाएं और सशक्त करें और महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिखाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा और पे रखना। पहले मानिए कि आप संरक्षण जाफर जी
हमारे गिरेबान किसी भी राजस्थान में ठीक है सबनम पांडे जी, ठीक है आएंगे आपके पास, रुकिए ठीक है विभा शुक्ला जी आपके पास जाएंगे, नूतन जी क्या करेंगे। नूतन जी आप मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाओं का ऐलान किया है महिला के लिए, नारी शक्ति के लिए, और क्या कर सकते हैं भाई, योजनाएं बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, इसको आपकी नजर से इसको रोकने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? योजना बनाने की जरूरत आ रहा हूँ विभा जी आपके पास आता हूँ। खुद जो पार्टी इन पावर है, मुख्यमंत्री है, सारा प्रशासन पुलिस अमला उनके अधीन है, जो कानून है अगर उसका सही से अनुपालन ही करवा दे तो तमाम अपराध रुक सकते हैं। आप हर बार एक गाइडलाइन दीजिए और ये कहिए हमने ये दिशा निर्देश जारी किए, जो लॉ अथॉरिटीज के लिए मैंडेटरी है उनको वो काम करना ही है, तो वहां तो कार्रवाई की जरूरत है ना, अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो। मैं रोज आप खाना पूर्ति के लिए अगर दिशा निर्देश जारी करके अगर इतिश्री समझ लीजिएगा तो विपक्ष में नहीं है कि आवाज उठाना या ये हो रहा है, वहां तो आपको इम्प्लीमेंट कराना है, पब्लिक ने चुन के भेजा है, तो जो ऑथोरिटीज सही पुलिस अधिकारी अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं कार्रवाई बनाने, ठीक है नियम और कायदे बनाने से ज्यादा बेहतर है उसका इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए। ठीक है नूतन जी, विभा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात रख लीजिए। बात हो रही है तो मैं कहूंगी हमेशा सत्ता पक्ष में जो महिलाएं हैं, जैसे मैं सबनम जी की बात करूंगी, सबनम जी आज उस ओहदे पे बैठी हुई है कि जहां पर महिलाओं के लिए डट के वो लड़ाई लड़ सकती हैं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग मार खा रहे हैं सड़कों पे आज, महिलाओं से लेके पुरुषों तक हम आवाज उठा रहे। लेकिन सबनम जी के पास आज वो मुख्यमंत्री जी को सचेत कर सकती हैं, लेकिन जब सबनम जी जैसे लोग या जो महिला मंत्री हैं हमारी स्वाति सिंह, स्मृति ईरानी जैसे लोग जब मुंह बंद करके बैठ जाएंगे और सरकार के कामों पे और प्रशासनिक अधिकारियों के गलत कामों पे लीपापोती करने लगेंगे तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी उत्तर प्रदेश में, उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है विभा जी आपके पास आएंगे, समय आपका हो गया। कम से कम महिलाओं की बात सत्यता पूर्वक रखे। सबनम पांडे जी आपके पास आएंगे, सदन जाफर जी के पास चले के पहले श्री योगी जी के सामने जो गलत है। ठीक है सबनम पांडे जी आपके पास आऊंगा, सदन जाफर जी के पास चले गए, प्रीता बबुरा ज्योति जी से, स्मृति ईरानी जी से, और भी जितने दिग्गज मंत्री जो है महिला मंत्री हैं, यदि महिलाओं के लिए डट के खड़ी हो गई तो इस देश की महिलाओं का कोई शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अपने जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर हम सदन जाफर जी के पास चलेंगे। ठीक है सबनम पांडे जी, साथी औहदे पे रहने पे ही महिलाओं के लिए काम करने की बात करती है, मैं विपक्ष से लेके सत्ता में रहते लगातार आवाज उठाती रही और आज पार्टी में महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान देने के लिए लगातार काम कर रही हो, यही वजह है महिलाओं के मामलों में निस्तारण में आज बात क्या कर रही है, किस मुंह से आप बात करते हैं, आप इतना झूठ बोलना सीख गए हैं, आप किसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करने आए हैं कि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए काम करने आए हैं, अपनी राजनीति करने, मुझे शर्म आती है इस तरीके की बात सुनने। ठीक है भाई दोनों की बात हो गई, सदन जाफर जी के पास चलेंगे। सबनम पांडे जी आप रुकिए, सदन जाफर जी आप पार्टी से हट करके ये बताइए, भाई सबनम पांडे जी बात हो गई आपकी, विभा शुक्ला जी आपकी बात भी हो गई, पूरा मौका मिल गया आप दोनों को, आप दोनों अकेले ही पूरी डिबेट करेंगे क्या? रुकिए विभा शुक्ला जी, रुकिए सदन जाफर जी के पास चलेंगे। सदन जाफर जी पार्टी लाइन से हट के बताइए, पार्टी किसी की भी हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, ये अपराध कभी भी नहीं रुकते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध कभी भी नहीं रुकते, आप हमें बताइए इसको रोकने के लिए किया क्या जाना चाहिए? बताऊं तो बलात्कार जो है वो सिर्फ एक तरह से बहुत हिंसात्मक कृत्य है,
वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, चाहे वो जाति के अंतर्गत हो, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, वो सिर्फ अपना वर्चस्व एक औरत के ऊपर कायम करने के लिए बलात्कार किया जाता है। और जिस तरीके से आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आज भी सुरेंद्र जातिवाद का बढ़ावा, जातिवाद का बढ़ावा तो हर पार्टी देती सदर जाफर जी, सारी पार्टियां गुणा गणित करती है कि किस जाति के कितने वोट है, ओबीसी 52% और सवर्ण 15% 18% अल्पसंख्यक 20%, ये गुणा भाग तो सभी पार्टियां करती है। होता है तो दलित का कर ये आते हैं, पर किसी और जाति का होता है तो ये नहीं, तो जाति को ये लोग देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ अगर रेप हुआ तो जाति का नाम ये लोग लेते रहे, जाति के नाम पे ये अपना पूरी डिबेट आप ही कर रहे हैं क्या भाई? सदन जाफर जी मैं आपके पास फिर जाऊंगा, आपसे ये पूछूंगा कि पार्टी लाइन से हट करके क्या करना चाहिए, वो जवाब नहीं आया आपका। चलिए लगता सदब जाफर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। नूतन जी के पास चले। नूतन जी, मुख्यमंत्री जी ने चार चार नंबर जारी किए हैं, हेल्प डेस्क बनाने की बात की है, और उसके अलावा जो लोग भी नारी सम्मान के लिए काम करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, 100-100 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आपको लगता है इससे चेंज आएगा? अच्छी बातें लगती हैं और मुझे लगता नारी सम्मान के लिए स्पेशली काम करने की जरूरत नहीं है। लॉ ने जो नारी को जो अधिकार प्रोवाइड किए हैं, अगर आप उनका वो अधिकार ही दे दीजिए तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप सम्मानित करिए तो एक ऐसे ओहदे पे जब आप डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि या तो ये नारी को हम सम्मान ही करेंगे या फिर हम दुत्कार ही लगाएंगे, तो सारी समस्या की जड़ ही बराबरी का वो अधिकार दीजिए कि वो उनको ना सम्मान चाहिए ना अपमान चाहिए, उनको जो कानून ने संविधान ने अधिकार दिया है उनको वो अधिकार चाहिए जो कानून ने दिया है अधिकार, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कि अगर उनके प्रति कोई अन्याय करता है तो उनकी बात सुनी जाए, त्वरित कार्रवाई हो, न कि अगर वो शिकायत लेके जा रही हो उसके बाद उनको पहले ही अपमानित करिए और कटघरे में खड़ा कर दीजिए कि ये तो गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। हो सकता है कई मामलों में महिलाएं गलत भी बोलती हैं, वहां भी महिलाएं चूंकि किसी के अधिकार में होती तो किसी के इशारे पे ही, वो भी कोई पुरुष ही होता है जो उससे गलती करवाता है, तो आपको सही तरीके से चिन्हित करेंगे तो जो भी दोषी होगा न्याय मिलेगा। लेकिन पहले महिला अगर कोई भी पीड़ित आता है तो आपको पीड़ित की बात सुननी है, न कि आप पहले ही अगर उसको इस नजरिए से देखने लगे। ठीक है शबनम जी से जवाब ले लेते हैं। नूतन जी, शबनम पांडे जी, नूतन जी कह रही थी भाई हमको देवी का रूप नहीं चाहिए, हमको कोई बड़ा ओहदा नहीं चाहिए, खाली हमारे महिला के रूप में हमारे अधिकार मिल जाए वही बहुत है। जी एक बात ये कह रही हूँ कि कहीं भी अवार्ड देने को देवी का रूप देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी महिला ने, अगर जिलों में जिन महिलाओं ने महिलाओं के सुरक्षा को लेके, स्वावलंबन को लेके, सम्मान को लेके, उनके अधिकार को लेके कोई काम किया, अगर उन्हें प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित तौर पे बहुत सी महिलाओं को प्रेरणा मिलता है, बहुत सी बच्चियों को प्रेरणा मिलता है और फिर उनमें वो हिम्मत आती है, वो अपने अधिकार को जानती है, उन्हें लगता है कि मुझे भी ये करना। आप भी एक महिला है, मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूँ, या तो महिला को देवी का रूप दे दिया जाता है, 9 दिन तक दुर्गा के रूप में पूजेंगे, नहीं तो एकदम पैर के तले रगड़ दिया जाता है, तो ये नहीं चाहिए ना महिलाओं को, उनका महिला का सिर्फ सम्मान चाहिए, उनके अधिकार चाहिए। साक्षात्कार होने के बाद कहीं ना कहीं वो बच्चियां जो कि इन सब चीजों को नहीं जानती है वो जागरूक होती है और उनमें भी एक हिम्मत आती है कि मैं भी इस तरीके का काम कर सकूं। ऐसा नहीं है कि कोई भ्रूण हत्या रोकने पे काम कर रहे हैं उन्हें हम अवार्ड देंगे तो उनको हम देवी समझ रहे हैं,
वो एक प्रेरणा हो जाती है समाज के लिए। उससे बहुत सी महिलाएं आती हैं बाल विवाह वाले है ना, ये पुलिस वालों का एक कब चेंज होगा रवैया, क्योंकि पुरुषों के प्रति तो चेंज ही नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ महिलाओं के प्रति कैसे चेंज होगा जिसमें वो किस तरीके से बिहेव करते मिसबिहेव करते। देखिए प्रदीप जी, आपने लगातार देखा इन 3 सालों में 600 से ज्यादा अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हाँ। शायद इसी रवैये की वजह से दिखाया गया है, हमें विरासत में ऐसे ही पुलिस वाले मिले जो एक जाति विशेष के भर्ती कर लिए। चलिए विभा जी, आप ही के पास आ रहा हूँ सवाल लेकर के, ठीक है विभा शुक्ला जी। विभा शुक्ला जी, आपने 5 साल तक, अभी पिछले 5 साल तक राज किया, जरा मुझे ये बता दीजिए की व्यवस्था देखे, 190 नंबर की 10-90 नंबर जैसी व्यवस्था देखे, 108 एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था देखे, हम लोग ने उत्तर प्रदेश को चमकाया था, हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, केवल उत्तर प्रदेश को इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश को छोड़ रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश को बदहाल कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश को बदहाल कर रहे हैं आपकी सरकार ने ये दिया और आप उत्तर प्रदेश को बदनाम किया और ये लोग डिस्कस ऐसे कर रहे हैं। 3 सालों से ऊपर की सरकार ने हर बार उत्तर प्रदेश को आपके देश के सामने शर्मिंदा किया, जबकि उत्तर प्रदेश जैसा विकसित और विकासशील प्रदेश कोई भी नहीं था। क्या बात कर रही हैं, किस तरीके से उन्हें मारा गया था, आपके मंत्री उसमें थे, उस मंत्री पे औरत ने रेप का भी चार्ज लगाया। आप किम्या मैन से बात करिए, क्यों बोल जाती है, किम्या मैन को क्यों छुपा रही है, किम्या मैन का नाम क्यों नहीं लेती, सेंगर साहब का क्यों नाम नहीं लेती, उसका जो है बलिया में गोली चल गई उसका नाम भी तो लीजिए शबनम जी, वर्तमान में आइए, भविष्य में भूत में मत जाइए, सभी सुधार कर पाएंगी, सभी सुधार कर पाएंगी, ठीक है भाई शबनम पांडे जी, विभा शुक्ला जी, आप दोनों की बात हो गई, हमारे साथ में महिला यहाँ भी है पूर्णिमा पांडे जी, उनका रुख करेंगे पूर्णिमा पांडे जी। विभा शुक्ला जी आप रुकिए, आपके पास आएंगे दोबारा से, समय भी खत्म हो रहा है मेरे पास। विभा शुक्ला जी, शबनम पांडे जी रुकिए, विभा शबनम पांडे जी रुकिए, पूर्णिमा पांडे जी आप बताइए करना क्या चाहिए, सरकार कोई भी हो हालात वही रहते हैं तो करना क्या चाहिए, जिससे कि आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण का काम किया जाना चाहिए, वो तो काम होता रहा लेकिन हुआ नहीं एक्चुअल में ना, वास्तव में क्या करना चाहिए। एक्चुअली एक कहावत है कि जब हमारे पापा ही स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो हम स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकते, तो कहने का ये मतलब है कि हम जिसको चुन के लाए हैं वो हमारे पिता स्वरूप हैं, दैट सपोज वो हमारे पिता स्वरूप हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाए चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे कोई अदरवाइज कोई भी हो, नहीं रुख अपनाने से ना, नहीं 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 प्रदीप भाई ऐसे नहीं, नहीं ना नहीं, वो या तो जेल में जाएगा या तो, अरे जाए तो जी जाए तो नहीं कहे, तमाम इनकाउंटर किए गए भाई नहीं वो सब सही। कमेंट के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नूतन जी के पास, नूतन जी फाइनल कमेंट आपका, कैसे संभलेगी ये व्यवस्था, कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था, इज्जत को पैसों से जात से तोल लेते हैं। पोजीशन है सत्ता में है तो जब तक उनका विल नहीं होगा, विल पावर नहीं होगा तब तक व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। अब तमाम जगहों पे जितनी तरह की खबरें आती, कहीं पुलिस के रिश्वत की, कहीं विवेचना में गड़बड़ी की, कहीं शिथिल कार्रवाई की, तो उन चीजों को जब तक ये विल पावर नहीं होगा कि हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और जो भी लापरवाही बरतता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये चीजें नहीं सुधरेगी। अगर आप आड़ लेंगे कभी जाति के नाम की, कभी धर्म के नाम की, कभी किसी और बहाने से, तो ऐसे में आप जिस दिन आप ठीक है नूतन जी, समय हमारे पास इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज से शरदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति का जी की जो अभियान है उसकी आज से शुरुआत कर दी, शुभारंभ कर दिया है और अगले नवरात्र यानी कि बसंतीय नवरात्र तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और इसमें महिलाओं को सम्मान दिलाने, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और उनको उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करने की बात
कही गई है और ये पीरियड बहुत ही क्रूशियल होगा क्योंकि ये पीरियड ही बताएगा, ये समय ही बताएगा कि वास्तव में क्या महिला को सम्मान मिला, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं के सम्मान में मैदान में उतर के आई थी और उसको सम्मान बचाना ही पड़ेगा और क्या ये हो पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केबीपी न्यूज।